नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग BTSC ANM काउंसलिंग डेट के बारे में जानेंगे, साथ ही केस को लेकर कि आपकी जो केस की सुनवाई है, जो कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनको लेकर भी अपडेट जानने वाले हैं, क्योंकि जो सुनवाई की जो डेट है वो दे दिया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें तो काउंसलिंग किस वजह से रुका हुआ है, काउंसलिंग के रुकने का वजह क्या है, उनको भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और सारे फैक्ट जानने वाले हैं कि कब तक आपकी काउंसलिंग लिस्ट भी आने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको BTSC ANM और बिहार स्वास्थ्य विभाग के रिगार्डिंग सारा अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि काउंसलिंग में किस वजह से आप लोगों का डिले हो रहा है, और इसका रीज़न भी हमने आपको बताए थे कि किस वजह से लेट हो रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब तक इसका जो रिजल्ट का जो डेट है वो आएंगे, जो काउंसलिंग लिस्ट है जिसका हम सबको इंतज़ार है वो कब तक आएंगे, और जो किस वजह से जो डिले हुए हैं वो सारा हम अपडेट आपको बताते आ रहे हैं। और केस को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में थे कि कब तक इस केस की सुनवाई होंगे, हेयरिंग डेट को लेकर क्या कुछ हुआ। तो फाइनली इस केस को, जो कि ये केस आप देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ इसका अपडेट हमने बताए थे, तो जो कि हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में ये केस चल रहे हैं, और इसको लेकर जो हेयरिंग डेट है वो फर्स्ट हेयरिंग डेट दिया गया है। तो उनके लेकर भी सुनवाई हम लोग जानेंगे क्या कुछ इस सुनवाई में आए थे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट केस की जो सुनवाई थी 2 मई दिया गया था, लेकिन इसकी 2 मई को सुनवाई नहीं हुआ है, 2 मई को सुनवाई नहीं हुआ है। नेक्स्ट हेयरिंग डेट इसका जो है वो एक्शन डेट, जैसे कि लास्ट एक्शन डेट रहता है, वो यहाँ पर शो भी नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जो फर्स्ट हेयरिंग डेट जो दिया जाएगा जिसमें सुनवाई होंगे केस के, वो यहाँ पर शो करने लगेगा, और बहुत जल्द आपको इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर डेट देखने को मिलेंगे। तो हम चर्चा करते हैं काउंसलिंग लिस्ट को लेकर, काउंसलिंग लिस्ट फाइनली कब तक आएंगे, काउंसलिंग लिस्ट को। तो जैसे कि काउंसलिंग डेट की बात करें तो बहुत जल्द आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। जिस तरीके से जो नया चेयरमैन है उसके रिगार्डिंग जो बैठक हुई थी, और जो BTSC के आयोग की तरफ से जो बैठक हुई थी उसका अपडेट भी हमने आपको बताए थे, जैसे कि मीटिंग हुआ था उस मीटिंग के सारे अपडेट हमने आपके साथ साझा किए थे, जो कि चेयरमैन को लेकर मेनली बात किया गया था कि जो कि इसका जो चेयरमैन है वो बदल गया था। तो जो नए जो चेयरमैन आएंगे उसके बाद आपके आप लोगों की जो रिजल्ट है, जो काउंसलिंग लिस्ट है वो देखने को मिल सकते हैं, वो आप लोगों की प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो कुछ दिन आप लोगों को इंतजार करने होंगे। और जैसे कि नियुक्ति प्रमाण पत्र भी, बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है जिसका शुरू कर दिया गया है, जैसे कि कल के डेट में ही दंत विभाग के जो चिकित्सक से या और भी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी थे उनका जो योगदान पत्र है वो दिया गया है, उनको पदस्थापन के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र को लेकर भी अपडेट, जो ऑफिशियली जो नोटिस था वो बिहार स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी वैकेंसी हैं उन सारे को क्लियर किए जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी तेजस्वी यादव जी ने कहे थे कि स्वास्थ्य विभाग से रिगार्डिंग कोई भी रिक्त पद खाली नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से सारा पद भरे जाएंगे। तो आप लोगों की भी जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे, और जैसे कि काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो भी जारी कर दिया गया है, तो उसी लिस्ट में आप लोगों की भी काउंसलिंग होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रखें, इतने दिन इंतजार किए हैं तो कुछ दिन और इंतजार करिए, आप लोगों को निश्चित रूप से जितने तरीके जितने लेट हो रहे हैं उतने अच्छे तरीके से आप लोगों की जो मेरिट है, जो आप लोगों की काउंसलिंग लिस्ट है वो तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग कुछ दिन इंतज़ार करने होंगे, और क्योंकि जॉब है, फाइनली जॉब होते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं, 10,000 है, जिसमें कि 10,000 कैंडिडेटों के लिए लगभग 32,000 प्लस अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लेगा ही, क्योंकि 32,000 अभ्यर्थियों को इसमें जो सारा अपडेट तैयार किया जाएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो सारा अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो और भी जो भी अपडेट पता चलेंगे हम सारा अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।